जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव कुमार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपका सपना आर्मी में जाना है तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी किसी भर्ती आती है तो लाखों लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए आवेदन करते हैं, जिसके कारण कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और आपको बहुत ही अच्छी तैयारी की ज़रूरत होगी, तभी आप इसमें नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा खुद को फिजिकली फिट रखना है। आर्मी में नौकरी करने के लिए आपको मेंटली एंड फिजिकली रूप से फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में आर्मी कैसे ज्वाइन करें में जानेंगे। आर्मी क्या है? आर्मी यह शब्द सुनते ही हम सब भारतवासियों के अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास जग उठता है और हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आर्मी का नाम सुनते ही आपने जोश आने लगता है और देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। भारतीय सेना आज दुनिया की अग्रिम सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना दिन रात बॉर्डर पर खड़े रहकर देश की और देशवासियों की रक्षा करते हैं। आर्मी का अर्थ सेना को अंग्रेजी में आर्मी कहा जाता है। आर्मी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अर्माटा से हुआ है, जिसका अर्थ अर्म फोर्ड होता है। यह ऐसी फौज होती है जो देश की सेवा करती है। आर्मी एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होती है जो जमीन पर रहकर देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ती है। आर्मी का फुल फॉर्म है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग है, जिसका अर्थ युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नज़र रखते हैं। आर्मी भूमिका की एक शांति शाखा होती है जो कि अपने अंदर कई शाखाओं को मिला सकता है। इसके अंदर वायुसेना भी शामिल होती है। संपूर्ण संसार में सबसे पहले भारत देश में आर्मी को ऑर्गेनाइजेट किया था। भारतीय सेना में कैसे जाएं? हजारों स्टूडेंट आर्मी में नौकरी करने का सपना देखते हैं, पर क्या आर्मी में इतना सरल है जाना? इसका जवाब हर किसी को नहीं मिलेगा और इसकी वजह से प्रतियोगिता, क्योंकि 100 पदों के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं। हाल ही में निकली एक भर्ती जिसमें पुलिस कांस्टेबल के 6500 पदों पर लाखों छात्राओं ने आवेदन किया था। विश्व में सेना भर्ती के लिए सबसे अधिक भारतीय युवाओं की रुचि होती है और सभी भारतीय युवाओं की पहली पसंद सरकारी नौकरी होती है, जिससे कि वह देश की सेवा कर सके। अगर आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए भारतीय सेना के शारीरिक मापदंड के साथ साथ शैक्षिक योग्यता को पूरा करना जरूरी है। भारतीय सेना में जाने के लिए उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी होता है। आइए अब जानते हैं आप आर्मी में जाने के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं। आप आर्मी में जिस पद के लिए आवेदन चाहते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें, जैसे उस पद को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सी एग्ज़ाम पास करने होती है, आपको आर्मी की परीक्षा पैटर्न को समझना होगा कि परीक्षा कैसे होती है, तथा आर्मी परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र को जमा कर सॉल्व करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी जानकारी ले सकती है जिस
ने आर्मी परीक्षा पास की है और उनसे परीक्षा के पास होने के लिए तैयार तथा प्रश्न पैटर्न जानने की कोशिश करें। आपको जीके को मजबूत रखें, क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या फिर आर्मी का एग्ज़ाम या आईएएस का हो, इन सभी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न जीके के ही पूछे जाते हैं। भारतीय सेना तकनीकी प्रवेश योजना के लिए पत्र होने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्य प्राप्त शिक्षा बोर्ड से भौतिक, रसायन, विज्ञान और गणित में न्यूनतम 70% के साथ 10+2 परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए यूपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें लिखित परीक्षा, एसएसबी इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट शामिल होते हैं। परीक्षा क्वालिफाइड करने पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सेना में ऑफिसर पद पर अस्थाई कमीशन मिलता है। उम्मीदवार 10वीं के बाद जनरल ड्यूटी, सोल्जर और ट्रेडमैन जैसे विभिन्न पदों पर भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मापदंड, शारीरिक फिटनेस परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा, लिखित परीक्षा, मैरिट सूची आदि जैसे कई चरणों में से गुजरना होगा। आयु बंधन 16.5 से 19 वर्ष। 10वीं के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन करें? 10वीं के बाद भी आर्मी में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, पर 10वीं कक्षा की योग्यता के साथ आप ऑफिसर रैंक के किसी भी पद के योग्य नहीं होते। 10वीं कक्षा के बाद उम्मीदवार को पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी जो होता है, जीडी का जो होता है, और सोल्जर ट्रेडमैन जो कि ग्रेड 4 का जो आता है, इन दोनों पदों के लिए चुने जाने के बाद उम्मीदवार को सिपाही की रैंक दी जाती है। सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर भारतीय सेना की रीढ़ होती है, जिसमें सैनिक आर्म्स वो सर्विसेज से चुने जाते हैं। आर्म्स के अंतर्गत इन्फेंट्री, आर्टिकलरी, आर्म्स क्लास, इंजीनियरिंग और आर्मी एंड डिफेंस एडी, सैनिक ड्राइवर, ऑपरेटर, बंदूक धारक के रूप में आर्मी में अपनी सेवा दे सकते हैं। सर्विसेज सेवाओं में आपको जनरल ड्यूटी, ऑपरेटर, ड्राइवर आदि पर सेना सेवा कोर, एसएससी सेना आयुध कोर, एसओसी सेना चिकित्सा कोर, एएमसी में नामांकित किया जा सकता है। सोल्जर ट्रेडमैन, यह एक ऐसी समाज की तरह है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। प्रत्येक कई में 600 से 1000 कर्मचारी होते हैं जो एक परिषद में रहते हैं और उस परिषद समाज से सभी सहायक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक यूनिट का अपना कुक हाउस, स्टोर, लिविंग क्वार्टर और लाइनें, कार्यालय, वाहन और उपकरण हैं। इस प्रकार विभिन्न संस्थानों को चलाने और इकाई क्षेत्र को बनाए रखने के लिए बहुत सारी सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्रपात्र मापदंड, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 10वीं में कम से कम 45% अंक होना चाहिए। हर विषय में 33% अंक होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सोल्जर ट्रेडमैन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके लिए अंक की कोई सीमा तय नहीं की जाती है। उम्मीदवार की आयु 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेडमैन
के लिए तय किए गए सभी फिजिकल मापदंड को पूरा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी मेडिकल मापदंड को भी पूरा करना अनिवार्य। मैं हाइट क्यों जरूरी होता है, इस सर्विस पे हाइट क्यों जरूरी होता है? आपको शुरुआत में उचित उपकरण और वर्दी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि या तो आप लंबे होंगे या फिर छोटे होंगे, लेकिन वास्तव में वही एकमात्र बड़ा मुद्दा होगा। ऊंचाई का संबंध ताकत और से होता है। मजबूत सैनिक अधिक बारूद ले जाता है, अधिक शक्तिशाली हथियार ले जाता है, और घायल सैनिक या अतिरिक्त उपकरणों को अधिक आसानी से ले जा सकता है। सबसे पहले उम्मीदवार को मापदंडों के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट joinarmy.nic.in पर जाकर आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवार के दस्तावेज की जांच की जाती है। इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इस पोस्ट को पास करने के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ली जाती है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आर्मी मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट को आई साइड 6x6 होनी चाहिए तथा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट का कान तथा नाक का पर्दा ठीक होना चाहिए, जिससे वह समान रूप से सुन सके। नेल स्पर्म नाक की हड्डी होनी चाहिए ताकि कैंडिडेट को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। सूत्रों के अनुसार पुलिस की भर्ती में अभी तक सीने की नाप चेस्ट फुला कर 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाकर 86 होना चाहिए अनिवार्य है, परंतु पिछले दिनों इस मामले में कोर्ट ने भी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलावा अनिवार्य के निर्देश दिए हैं। कुछ हल्की ज्वाइनिंग के साथ वार्म अप करें, फिर जितना हो सके 1600 मतलब कि 1600 मीटर दौड़ की पूरी होनी चाहिए। 3 से 5 मिनट क्या अपना व्यू रखें, फिर थोड़ी तेज बढ़ाएं, 800 मीटर दौड़ें, अगले 3 से 5 मिनट तक आराम करें, फिर 800 मीटर दौड़ें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिपाही को 25,000 रुपये महीने कैश इन हैंड मिलते हैं। इसके अलावा लैंस नायक को करीब 30,000 रुपये और हवलदार को करीब 40,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है। जूनियर कमीशन ऑफिसर की तरह सूबेदार रैंक के जो ऑफिसर को भी अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। जनरल ड्यूटी के उम्मीदवार की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इंडियन आर्मी अग्नि भारती फिजिकल एबिलिटी सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए लगातार मौके निकल रहे हैं, जिसके तहत फिलहाल उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। इसे आप कैसे देख सकते हैं, तो joinindiaarmy.nic.in के साइट पर जाना होगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ट्रेड एवं इंजीनियर में बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ ही फिजिकल केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश विषयों के साथ साइंस स्ट्रीम में 12वीं कक्षा के 50% नंबर होनी चाहिए। सेना भर्ती रैली में रही है अग्निवीर भर्ती के लिए प्रत्येक युवा को 5 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। 5 मिनट 31 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले युवाओं को प्रथम ग्रुप और 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले युवाओं द्वितीय ग्रुप में रखे जाएंगे। इंडियन आर्मी GD सिलेबस के अंदर पूरे 3 विषय आते हैं।
यह विषय हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ। उम्मीदवार यहां से पोस्ट वाइज भारतीय सेना अग्निवीर परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं। जनरल नॉलेज 30 अंक और प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से 30 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ 30 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वीं के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन करें। 12वीं के बाद आर्मी में जुड़ने के बाद बहुत से ऑपरेशन होती है, बहुत से ऐसे परीक्षाएं होती है जिससे दे करके आप सीधे ही आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें आपको ना केवल लिखित परीक्षा देने की ज़रूरत है बल्कि फिजिकल टेस्ट भी। आपको सीधे इंटरव्यू के बाद बुला लिया जाता है। चलिए आप सीधे वही तरीके के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से आप सीधे 12वीं के बाद आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। NDA एग्ज़ाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी, TES एंट्री, टेक्निकल एंट्री सेल्स, NCC स्पेशल एंट्री, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम। यदि कोई स्टूडेंट 12वीं के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो NDA एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आइए इस परीक्षा के लिए सिलेबस, प्रोसेसर, योग्यता, आयु सीमा कैसे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट NDA की परीक्षा देना चाहता है तो उसको 12वीं कक्षा में फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ विषय के साथ बोर्ड परीक्षा 60% मार्क के साथ पास होना जरूरी है। जो कैंडिडेट NDA परीक्षा देना चाहते हैं उनकी उम्र 16.5 से 20 साल के बीच होनी चाहिए तथा इस परीक्षा में किसी भी जाति या धर्म के लिए उम्र और कोई छूट नहीं दी जाती है। अतः सभी कैंडिडेट के लिए यह आयु सीमा समान है। उम्मीदवार की ऊंचाई 157 सेंटीमीटर इससे अधिक और छाती की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तक उससे अधिक होनी चाहिए। उम्मीदवार के घुटने की समस्या नहीं होनी चाहिए और आपकी कोहनी बाहर दिशा में 15 डिग्री से अधिक नहीं मुड़नी चाहिए। चलिए अब हम सीधे वही तरीका के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से आप सीधे 12वीं के बाद आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। NDA एग्ज़ाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी, TES एंट्री, टेक्निकल एंट्री सेम, NCC स्पेशल एंट्री, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम। यदि कोई स्टूडेंट 12वीं के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो NDA एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। आइए इस परीक्षा के लिए सिलेक्शन प्रोसेसर, योग्यता, आयु सीमा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट NDA की परीक्षा देना चाहता है तो उसको 12वीं कक्षा में फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ विषय के साथ बोर्ड परीक्षा में 60% के साथ पास होना जरूरी है। जो कैंडिडेट NDA परीक्षा देना चाहते हैं उनकी उम्र 16.5 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए तथा इस परीक्षा में किसी भी जाति या धर्म के लिए उम्र में कोई छूट नहीं दी गई है। अतः सभी कैटेगरी के लिए यह आयु सीमा सामान्य है। उम्मीदवार की ऊंचाई 157 सेंटीमीटर या उससे अधिक और छाती की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। उम्मीदवार को घुटने की समस्या नहीं होनी चाहिए और उसकी कोहनी बाहर दिशा में 15 डिग्री से अधिक नहीं मुड़ी होनी चाहिए। TES एंट्री, टेक्निकल एंट्री शेड्यूल
यदि आप भारतीय सेना में तकनीकी क्षेत्र में पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन करने के लिए आपके लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और शारीरिक योग्यता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिसके पास 12वीं और 10वीं कक्षा में फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ विषय हैं और आपको न्यूनतम 70% मार्क के साथ 12वीं कक्षा पास करना जरूरी है। साथ ही में उम्मीदवार को GEE मेन परीक्षा देनी जरूरी है। इसके लिए भी आयु सीमा NDA परीक्षा जैसे ही है। इस परीक्षा के लिए भी उम्मीदवार की उम्र से कम 16 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार का सिलेक्शन उसकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। अप्लाई करने के लिए भारतीय सेना के टीम बोर्डो में आपको 12वीं के अंक के अनुसार कट ऑफ घोषित करती है। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। NCC स्पेशल एंट्री, वे उम्मीदवार जिन्होंने अपने स्कूल में NCC जूनियर विंग किया है सिर्फ वही लोग उस पोस्ट के लिए पात्र हैं। इस पोस्ट के लिए भी विभिन्न योग्यता को पूरा करना होता है। इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार को किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 55% मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा को पास होना चाहिए। इस उम्मीदवार के पास न्यूनतम B ग्रेड के साथ NCC C प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 16.5 से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भारतीय सेना कैसे ज्वाइन करें? अगर आपका सपना आर्मी में जाना का है तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इसकी भर्ती आती है तो लाखों लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए आवेदन करते हैं, जिसके कारण कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको बहुत ही अच्छी तैयारी की ज़रूरत होगी, तभी आप इसमें नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा खुद पर फिजिकली फिट रखना है। आर्मी में नौकरी करने के लिए आपको शारीरिक व मानसिक रूप से फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। आर्मी क्या है, इसी तरह से उसका सैलरी क्या है, उसका फिजिकल में क्या होता है, उसका रिटर्न क्या होता है, उसका मेडिकल क्या होता है, इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक पर एक पूरा विवरण दे रहा हूँ, पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझे और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। भारतीय सेना के लिए शारीरिक योग्यता, आर्मी कैसे ज्वाइन करने के लिए आपका शारीरिक योग्यता को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई उम्मीदवार इसमें अयोग्य होता है तो भारतीय प्रक्रिया के बाहर किया जा सकता है। इसके बाद आप नई भर्ती आने पर ही वापस आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही जो व्यक्ति आर्मी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। लंबाई 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। वजन 50 केजी तो होना ही चाहिए। आँखों का रोशनी, जो आई साइट जिसको बोलते हैं, 6x6। रिलैक्सेशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, कलर वाइडेंट नहीं होना चाहिए। सेना के भर्ती के चयन प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है, जिसमें फिजिकल टेस्ट, लिखित टेस्ट और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं।
अब हम तीन प्रोसेस के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं आर्मी में जाने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। फिजिकल टेस्ट, भारतीय सेना में आवेदन करने के बाद सबसे पहले उम्मीदवार का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें उम्मीदवार को लंबी कूद लॉन्ग जंप, ऊंची कूद हाई जंप, दौड़ रनिंग, थ्रो आदि कई टेस्ट लिए जाते हैं। वह सभी टेस्ट के नंबर अलग अलग दिए जाते हैं उम्मीदवार के उम्मीदवारी को द्वारा किए गए प्रदर्शन के अनुसार ही उसे नंबर दिया जाता है। उम्मीदवार को 1.6 किलोमीटर दौड़ 5 मिनट 41 सेकंड में पूरी करनी होती है। मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट में उत्तीर्ण हुए जो भी पास हुआ होगा वो उम्मीदवार को अगले चरण मतलब नेक्स्ट स्टेप में मेडिकल टेस्ट के लिए चुना जाता है, जिसमें उम्मीदवार की आंखें की जांच होती है। इसके साथ कान, आवाज, ब्लड ग्रुप व अन्य कई जांच की जाती है। उम्मीदवार के शरीर में यदि कोई भी फ्रैक्चर पाया जाता है तो उस उम्मीदवार को भारतीय सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता है। लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम, यह भारतीय सेना भर्ती का अंतिम चरण होता है। दोनों चरणों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की लिखित ली जाती है, जो कि 100 अंक का होता है, जिसमें जिसके लिए कैंडिडेट को एक घंटे का समय दिया जाता है। और इंडियन आर्मी में भर्ती की आम प्रक्रिया इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए सामान्य नीचे दी गए प्रक्रिया का पालन करें, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वीडियो में चल रहे हैं। सबसे पहले उम्मीदवार को मापदंड के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट कौन सा, joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों का दस्तावेज की जांच की जाती है, मीन्स आपका सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई होता है। इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट का आयोग किया जाता है, मतलब कि जो हमारा फिजिकल का जो टेस्ट होता है दौड़ का, उसका आयोजित किया जाता है। इस पोस्ट को पास करने के बाद फिजिकल मेरिट टेस्ट ली जाती है, जिसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा ली जाती है। सभी चरणों को पूरा करने के बाद चुने हुए उम्मीदवार की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उनमें शस्त्र और सेवाएं अलर्ट कर दिए जाते हैं, जिसके बाद प्रशिक्षण केंद्रों के लिए चुने गए उम्मीदवारों का नामांकन कर लिया जाता है और उन्हें अपने केंद्रों में रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। इंडियन आर्मी में सीधी भर्ती, सेना में सीधी भर्ती संबंधित रेजिमेंट कोर प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से दिए गए उम्मीदवारों को सैनिक ड्यूटी के रूप में प्रदान किया जाता है। इंडियन आर्मी के सैलरी, भारतीय सेना के जवान का मासिक वेतन 5,200 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये तक होता है। सभी पदों के लिए अलग अलग वेतन निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही इंडियन को अन्य कई प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। भारतीय सेना कैसे ज्वाइन करें? अगर आपका सपना आर्मी में जाना है तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। अपनी जीके को मजबूत रखें, क्योंकि एयरफोर्स एग्ज़ाम जो कुछ भी हमारे ये सब जो होते हैं 10वीं से रिलेटेड, 12वीं से रिलेटेड, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। इसमें से ही आपका क्वेश्चन आंसर होता है, इसलिए अच्छे से आप लोग को रिटन का एग्ज़ाम का तैयारी करनी पड़ती है।
अभी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले हैं और पूछने वाले लोगों का एक ही डाउट होता है, आर्मी की नौकरी कितने साल की होती है? सेना में अधिकारी कर्नल 54 मीन्स 54 साल में, ब्रिगेडियर साल में 56, मेजर 58 में, लेफ्टिनेंट जनरल 60 साल के उम्र में सेनावर्ती होते हैं, लेकिन अभी 19 साल की सेवा में जब जवान को सेनावृत्ति मिलती है, आर्मी में लड़कियां का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है उसके बारे में अभी हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। अभ्यर्थी गर्भवती नहीं होनी चाहिए, यह जानकारी अभ्यर्थी को खुद देनी होगी। सामान्य मेडिकल जांच एक ऐसी होगी परंतु महिला कर्मचारी की उपस्थिति में होगी। महिला विशेषज्ञ ऑफिसर की प्रस्तुति व प्राइवेट अंगों की जांच करेगी। अल्ट्रासाउंड हर महीने अभ्यर्थी का होगा, जिसमें पेट और गर्भ इत्यादि की जांच होगी। इन हिदायतों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, सभी मेडिकल अफसरों को इन बिंदुओं पर संवेदनशील बनाया जाएगा। आर्मी फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है? रैली भर्ती में उम्मीदवारों को सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उम्मीदवार को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा करनी होती है। इसमें सफल होने के बाद अभ्यर्थी को बैलेंसिंग 10 पुशअप व 9 फीट की लॉन्ग जंप से भी होकर गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में हमने आपको आर्मी में कैसे जाना है, आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है के बारे में विस्तार से बताया है। सूचीबद्ध सैनिकों को शामिल होने के लिए हाई स्कूल में डिग्री या समकक्ष की आवश्यकता होती है, जबकि अधिकारियों को कमीशन के समय तथा कॉलेज में डिग्री की आवश्यकता होती है। भर्ती होने के लिए आपको आर्मी प्लेसमेंट परीक्षा, सशस्त्र सेवा वोकनेशन, एंटीट्यूब बैटरी ASBB में न्यूनतम स्कोर भी पूरा करना होता है। भारत में कुल कितने फौजी हैं? भारत में कुल 14.44 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब जानकारी कैसे ज्वाइन करें अच्छा लगे। अगर वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो फॉलो करें। जय हिंद।